प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रही है। यही कारण है कि शहर को लगातार नई सौगातें मिलने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच अतुल्य आईटी पार्क में पश्चिमी रिंग रोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने MPIDC और NHAI के अधिकारियों के साथ मंथन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अतुल्य आईटी पार्क में आयोजित बैठक में आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, MPIDC के प्रबंध संचालक मनीष सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिमी रिंग रोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने MPIDC और NHAI के अधिकारियों के साथ मंथन किया। देखिए, जिस प्रकार से शहर इंदौर शहर बढ़ रहा है, उस मान से पश्चिमी रिंग रोड की मांग लंबे समय से हो रही है और उसको लेके समय समय पर चर्चा भी होती है, प्लानिंग भी हुई है, मास्टर प्लान में भी दर्शाया गया है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार शहर बढ़ रहा है, उसमें लगते हुए कि इसकी आवश्यकता लग रही है और उसको लेके नेशनल हाईवे जो पिछली बार माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, उस समय इस बात का जिक्र हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि अगर राज्य सरकार ज़मीन देती है तो नेशनल हाईवे उसको बनाएगा। आज हम इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय चावड़ा जी के साथ और MPIDC के जो MDA मनीष सिंह जी वो और सभी अधिकारी CEO IDA और सभी अधिकारी बैठे थे और नेशनल हाईवे के भी अधिकारी थे। हमने लेआउट पूरा देखा है और उसमें किस प्रकार से आगे बढ़े एक बार सबसे चर्चा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ताकि जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है जो पिछड़ा है सड़क के मामले में, उसमें एक अच्छी सड़क मिल जाए ताकि वहाँ का भी विकास हो और कनेक्टिविटी बढ़े। ये कनेक्टिविटी जो रहेगी ये AB रोड से सावेर रोड, सावेर रोड से धार रोड, एयरपोर्ट वाला रोड है देपालपुर रोड, फिर धार रोड और फिर पीतमपुर होते हुए नेशनल हाईवे AB रोड पर रहेगी, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आने वाले समय में जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। पिछले दिनों माननीय नितिन गडकरी जी ने इंदौर में जब पधारे थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि यदि जमीन हमको उपलब्ध करा दी जाए तो हम पश्चिमी रिंग रोड ये बना देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है और जिस तेज गति से इंदौर ये बढ़ रहा है कि ये देश के प्रमुख शहरों में गिना जाए और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, उसको देखते हुए पश्चिम रिंग रोड का बनना आवश्यक हो गया है और इसी तारतम्य में आज यहाँ बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में हमने अभी ये देखा है कि कितनी बाधाएं हैं, किस प्रकार का उसका अलाइनमेंट है और कहाँ कहाँ उसमें ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। माननीय सांसद जी ने, हमने, हमारे बाकी अधिकारियों ने यह तय किया कि जितनी अधिक से अधिक शासकीय भूमि रहेगी उसको हम रोड में काम में लेंगे और जितने अधिक मकान और जो कृषि भूमि उसको बचाया जा सकता है पहली प्राथमिकता हमारी वो होगी। वो होने के पश्चात फिर इंदौर विकास प्राधिकरण वहाँ अपनी स्कीम लागू करेगा और उस स्कीम में से ही लगभग 100 मीटर की ज़मीन हम रोड के लिए उपलब्ध कराएंगे और NHA उस सड़क को बनाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रही है। यही कारण है कि शहर को लगातार नई सौगातें मिलने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच अतुल्य आईटी पार्क में पश्चिमी रिंग रोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने MPIDC और NHAI के अधिकारियों के साथ मंथन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News इंदौर।